आपके साथ अंजी सूद, आपका स्वागत है इनसाइड न्यूज में। बिग बॉस खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी शो और कंटेस्टेंट्स को लेकर बातचीत होती रहती है। बिग बॉस 13 का खिताब जीतने वाले सिद्धार्थ शुक्ला भी शो के ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो आज इन लाइमलाइट में बने ही रहते हैं। शो के अंदर भी सिद्धार्थ अपने गुस्से, लड़ाई, दोस्ती और अपने बिहेवियर को लेकर सोशल मीडिया पर छाए रहते थे, और अब सिद्धार्थ के विनर बनते ही शो पर सिद्धार्थ को फिक्स्ड विनर बनाने का आरोप लगा था, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर खूब बवाल भी मचा। कुछ लोगों ने सिद्धार्थ का सपोर्ट किया तो कुछ ने उनको जमकर ट्रोल कर दिया। यहाँ तक कि लोग आसिम को विनर बताने लगे और सिद्धार्थ को विनर मानने से इनकार कर दिया। लेकिन अब सिद्धार्थ शुक्ला ने ट्रोलर्स को एक सलाह दे डाली है। सिद्धार्थ ने एक ट्वीट के जरिए ट्रोलर्स से किसी को नीचा ना दिखाने की अपील की है। सिद ने ट्वीट कर हेटर से पॉजिटिविटी बनाए रखने की मांग करते हुए लिखा, समय आ गया है कि हम एक दूसरे को ऊपर उठाएं, ना कि नीचा दिखाने की कोशिश करें। पॉजिटिविटी की तलाश में हूँ, आप सभी के समर्थन और प्यार के लिए बहुत आभारी हूँ। किसी को नीचा मत दिखाओ, हमेशा मेरा समर्थन करते रहना, क्योंकि आपका प्यार वास्तव में मेरे लिए अनमोल है। #AlwaysBePositive #LoveYouAll। वहीं इसके बाद सिद्धार्थ ने अपने सपोर्टर्स को धन्यवाद करते हुए लिखा, #WeLoveSiddharth के साथ सभी सिद्धार्थ के लिए प्यार, बस आप में से हर एक को बताना चाहता हूँ कि सिद्धार्थ भी आपसे प्यार करता है, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे देखा जाए तो दोस्तों, सिद्धार्थ ने ये ट्वीट कर उन सबको जवाब दिया जो उनके विनर बनने के खिलाफ थे और उन पर फिक्स्ड विनर का आरोप लगा रहे थे। और इसमें सबसे बड़ा नाम है बिग बॉस 11 की विनर शिल्पा शिंदे का। उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। यहाँ तक कि शिल्पा ने तो ये भी कहा था कि अगर चैनल सिद्धार्थ शुक्ला को बिग बॉस की ट्रॉफी देगा तो वो अपनी विनर की ट्रॉफी वापस कर देंगी। अब सिद्धार्थ शो तो जीत गए, लेकिन एक्स विनर शिल्पा शिंदे ने अपनी ट्रॉफी वापस ही नहीं की। वैसे सिद्धार्थ की अपील पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बने रहें इनसाइड न्यूज के साथ। जब इस शो में आया था तो इसी तमन्ना से आया था कि ये शो जीतूं, और आज इतने हफ्ते बीत जाने के बाद जब जो भी हाथ में आई है तो बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था, और ऑफकोर्स सब चाहते हैं जीतने हैं। यहाँ पे हर एक कंटेस्टेंट जो आया था वो चाह रहा था कि वो जीते, और मैं भी उनमें से एक ही था। और बिल्कुल यू नो, जो एंजाइटी होती है और नर्वसनेस होती है वो भर भर के कूट कूट के पड़ी थी मेरे अंदर। और हाँ, एंड ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। जी, बहुत मॉम से ज़्यादा रिएक्शंस एक्सचेंज करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि एकदम से यहाँ पर आ गए, बट आई एम श्योर बहुत खुश होंगी। तो हाँ, ये वाली ट्रॉफी जीतने वाली। हाँ, देखिए, मैं जीता हूँ तो आई एम श्योर वोट्स मिले होंगे अब, और ये वोट्स लोगों ने किए होंगे तो, पर मेरा इंटरेक्शन नहीं हुआ है उनके साथ तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। जब मैं बाहर जाऊँगा तब शायद मुझे पता चलेगा कि क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा, क्योंकि पूरे समय जब मैं अंदर था तो मेरा यही था कि क्या मैं ठीक लग रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या सही हो रहा है, क्योंकि इतनी बातें, इतनी चीज़ें, इतने एक्यूजेशंस और जो कुछ भी आप पे लगते रहते हैं, तो आपको नहीं पता कि आपके रिएक्शंस ऑफ कोर्स यू नो जैसे भी आए आप लोगों ने देखे हैं। नॉट रियली, यू नो व्हाट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, defeating Asim and winning the victory and you know being victorious is, was never my idea or you know something that I really wanted to you know do. I wanted to win clean and simple, and that's about it. कहाँ पे आपको लग रहा है कोई बदलाव आया है? यार अभी आप मेरे को कुछ बोलने लगे हो, मैं अभी भी अग्रेसिव हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है, वो तो सब में होता है ना। अभी देखो ये कहाँ थी, वो इतना चिल्ला रही थी, वो थोड़ा अग्रेसिव होंगी, वो तो मौके होते हैं, होता है, चीज़ें होती हैं। पर आपके आपके ऊपर कैसी क्या क्या बीत रहा है, किस सिचुएशन से आप पास करें, आपका रिएक्शन वैसे होता है। हाँ, अगर
स्क्रिप्टेड होता और सब कुछ रिएक्शंस देने होते जिस तरीके के लोगों को अच्छे लगने चाहिए या जैसे जाना चाहिए, अगर वैसा होता तो शायद अलग होता, बट वैसा नहीं होता और वैसा नहीं है शो में, तो फिर नेचुरल आते हैं। जब लोग अच्छे हैं आपके साथ तो आप अच्छे हैं, जब आपके साथ नहीं है, चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं, तो कुछ वक्त तक आप कंट्रोल करते हैं, जब आपके कंट्रोल के बाहर जाता है तो आप शायद चिल्लाते हैं। और बाहर आके 15 मिनट नहीं हुए हैं, क्या चेंज देखूंगा मैं? एक चेंज ये दिख रहा है कि मेरे को बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, इतने दिखते नहीं थे मेरे को, तो हाँ अच्छा लग रहा है। के साथ कैसा बॉन्ड रहेगा? बॉन्ड अच्छा रहेगा, ऑब्वियसली वी बी इन टच एंड थिंग्स लाइक दैट, बट हाँ हाँ यार मेरा प्रॉब्लम पता क्या होता है कि मैं सुबह वर्कआउट करने जाता हूँ, जब मैं बाहर था करके जब जाता था, एक आम जिंदगी में था तभी, तो मैं मोस्टली अपना फ़ोन बेसमेंट में रख देता हूँ, बिकॉज वाइल वर्किंग आउट मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं डिस्टर्ब हूँ और फ़ोन कॉल्स लूँ, तो मैं और मैं काफ़ी देर वर्कआउट करता हूँ तो मैं तभी तक फ़ोन अनअवेलेबल रहता है, तो बहुत बार मैं रहता नहीं, शूट्स पे रहता हूँ जब ही, तो ऑफकोर्स आपका उसमें मैं फ़ोन लेके नहीं घूमता रहता हूँ शूट पे, तो इसीलिए मैंने बोला था ये बात, तो आप लोग इसीलिए पूछ रहे हैं, मेरे को पता है कहाँ से। अच्छा, तो लाइक डिफरेंट पर्सन व्हेन इट कम्स टू शहनाज़, वी सॉ डिफरेंट साइड टू योरसेल्फ, व्हाट वाज अबाउट दैट काइंड ऑफ ब्रॉट द चाइल्ड लाइक पर्सनालिटी? It was how she was, is how I was, in the sense that, you know, when you speak to me nicely, you know, Raj. Nice to you, if, you know, I don't get that from you, then of course you get something else from me. So, you know, she's the way she is, and, you know, I was good enough to, you know, I'd like to be the way she was, and I was doing things that came naturally to me. But did you like that side of yours? Did you know that you had this side? Okay, if I put it in this way, I don't know if it sounds right or not, but I'm great with kids, and you know, for me, Shehnaz is like a kid, and she's very kid-like, and of course, you know, to be very honest, if I happen to say that the kind of moods that you all have seen me in, my best few moments in the house have been thanks to Shehnaz, and you know, the ups and downs, you know, with Shehnaz has also been great, because you know, it's kept me off a lot of things, it's eased me out. A lot of conversation that happens inside the house is not something that I'm really used to or I usually like to be a part of, so you know, I had to be there. Now with staying with her, it just eased me out, because I had somebody to speak to, and I could, you know, speak just about anything and nothing. So that was fun, and yeah. So I think my journey for however, as in the way it's gone, I think it's been I've been able to be in it. I say that was a lot to do because, you know, of my friendship with Shehnaz, because it just made me, you know, get myself off the game. Yeah, sorry. बहुत ज़्यादा सलमान सर की सजेशंस, इनफैक्ट क्या होता था कि बहुत बार सलमान सर आपको कुछ बोलते हैं और उसके ही कुछ 2-3 दिन बाद, क्योंकि आपके जहन में है कि आप वो चीज़ें जो उन्होंने बोली हैं उनके ऊपर आप वर्क करेंगे, और तो आप वो करने जाते हैं, लेकिन सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि आप मजबूर हो जाते हैं कई बार अलग तरीके से रिएक्ट करने के लिए और आप करते हैं, तो बहुत बार अपने आप से डिसअपॉइंटमेंट होता था कि सलमान सर, यू नो, आपको इतना टाइम आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं चीज़ें, और आप यू नो, शायद कभी 1-2-3 दिन आप चीज़ें ओवरलुक करते हो, पर 34 दिन क्योंकि आपके पास और कुछ नहीं है, तो वो चीज़ आपसे निकल जाती है जो वो नहीं चाह रहे कि आए, और आप वही चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा ख़राब भी लगता था कि आप उन सजेशंस पे वर्क नहीं कर रहे हो, आपको पता है कि आप वर्क कर रहे हो पर ऐसा लगता है कि नहीं कर रहे हो, क्योंकि फिर वही चीज़ आ जाती है। कहाँ पे आपको लग रहा है कोई बदलाव आया है? यार अभी आप मेरे को कुछ बोलने लगे हो, मैं अभी भी अग्रेसिव हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है, वो तो सब में होता है ना, अभी देखो ये कहाँ थी, वो इतना चिल्ला रही थी, वो थोड़ा अग्रेसिव होंगी, वो तो मौके होते हैं, होता है, चीज़ें होती हैं, पर आपके आपके ऊपर कैसी क्या क्या बीत रहा है, किस सिचुएशन से आप पास करें, आपका रिएक्शन वैसे होता है। हाँ, अगर स्क्रिप्टेड होता और सब कुछ
रिएक्शंस देने होते जिस तरीके के लोगों को अच्छे लगने चाहिए या जैसे जाना चाहिए, अगर वैसा होता तो शायद अलग होता, बट वैसा नहीं होता और वैसा नहीं है शो में, तो फिर नेचुरल आते हैं। जब लोग अच्छे हैं आपके साथ तो आप अच्छे हैं, जब आपके साथ नहीं है चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं तो कुछ वक्त तक आप कंट्रोल करते हैं, जब आपके कंट्रोल के बाहर जाता है तो आप शायद चिल्लाते हैं। और